फॉर्चुनेटली आज इस पार्टी की वजह से, इनके बर्थडे की वजह से मुझे उनसे मिलना हो गया. मैं आज फर्स्ट टाइम रोशन जी से मिला हूँ एंड इज़ अ वंडरफुल मैन. और बहुत ही ऐसे इतनी वार्मली मिले मुझे कि ऐसा लग ही रहा मुझे फर्स्ट टाइम मिला हूँ. तो मैं पहले थोड़ा ऐसा था कि मेरे सर हैं कैसे मिलना है, बट उन्होंने आते ही मुझे गले लगाया और उन्होंने मुझे विशेज़ दे दी पहले. सो दैट्स वेरी स्वीट ऑफ हिम. मुझे ऑब्वियसली बड़ों की विशेज़ बहुत अच्छे से लगती हैं और जिस तरह से उन्होंने की. और सबसे बड़ी बात, हमारा रिलेशन निकला है कि वो यमुनानगर के हैं, मेरी नानी यमुनानगर से हैं, तो एक वो हमारा आज यू नो कन्वर्सेशन हुआ है. सो इट्स वेरी नाइस कि हमारा कुछ यू नो कनेक्शन है. तो बड़ा अच्छा लगा मिलके, अब अपना सा लग रहा है. और मैं उनसे बस ये कहना चाहूँगा कि आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं मिलें, आप जैसे तरक्की कर रहे हैं वैसे तरक्की करते रहो, आपकी खूब लंबी उम्र हो और हमेशा खुश रहें. मैं यही कहना चाहूँगी कि इसी तरह से वो हमारे साथ बने रहे, उनका साथ हमारे अग्निफेरा माइकों के साथ रहे और हम और आगे जाए और आगे बढ़े. रोशन लाल जी के लिए हमारे दिल में बहुत इज्जत है, बहुत ज़्यादा ये है. आज उनका बर्थडे है, क्या विश करना चाहेंगे? यही कि रोशन लाल जी इसी तरह से अपना साया हमारे सर के ऊपर बना के रखे. शूटिंग इन फिल्म सिटी और वहाँ से यहाँ पे आके, शूटिंग के बाद बहुत थकावट होती है लेकिन यहाँ पे आके बहुत फ्रेश लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. रोशन लाल जी के बारे में इतना बोलना चाहूँगी कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं, बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं. ही इज़ सच अ नाइस पर्सन एंड आई एम वेरी हैप्पी टू वर्क विद हिम. हिज टीम और अग्निफेरा में काम करके बहुत मज़ा आ रहा है बिकॉज हमारा टीम इट्स लाइक अ फैमिली. तो हम अलग अलग जगह से लोग आते हैं, अलग अलग जगह से रो सेट पे मिलते हैं और उसके बाद फिर ऐसे एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं कि ऐसा लगता है जैसे हम बहुत अरसों से एक दूसरे को जान रहे हैं. ये तभी हो सकता है जब हमारी नींव मजबूत होती है और वो हैं हमारे रोशन लाल जी. बस मैं यही चाहूँगी कि रोशन लाल सर की उम्र बहुत लंबी हो, वो स्वस्थ रहें और उनका प्यार और उनका साथ, उनका आशीर्वाद हमें ऐसे ही मिलता रहे. बहुत मतलब मैं यही उनके लिए विश करना चाहूँगी. ये मैं ये बोलना चाहूँगा कि एक सक्सेसफुल ट्रेन दौड़ रही थी अग्निफेरा नाम की और 400 एपिसोड क्रॉस कर लिए. उसके बाद में उन्होंने सोचा एक नया रूट पकड़े, फिर भी सक्सेसफुल दौड़ रही है. और तब मैं एज अ यात्री चढ़ा हूँ उसमें और सबसे मुलाकात हुई है, सबसे मिलना जुलना हुआ है. एंड आई थिंक रोशन लाल जी से मैं तीसरी बार मिल रहा हूँ उनसे. और जितनी भी मेरी मुलाकात हुई उनसे, आई थिंक वो बहुत कोई बोलते ना बहुत पोलाइट तरीके से बात करता है, बहुत साफ बात करता है. पहले तो आपने देखी उनकी हिंदी कितनी शुद्ध है. तो उनसे बात जब वो बात करते हैं ऐसे लगता है कि वाकई में बैठ के हम सुने, बाल भारती क्लास से याद आ जाती है. ही इज़ वेरी क्यूट. लेकिन येस, ही इज़ अ वेरी गुड ओरेटर. आई थिंक ही टॉक्स वेरी गुड, बहुत अच्छा बात करते हैं. जो भी कहते हैं किसी भी विषय पर बात करते हैं तो आई थिंक बहुत ओपनली खुल के और सुलझे हुए तरीके से, सहज तरीके से बात करते हैं और एक्सप्लेन करके आराम से चले भी जाते हैं. मतलब हमको ऐसे नहीं लगता कि भाई और क्या बोलने वाले और क्या क्वेश्चंस नहीं होते. जो दुविधा होती है मन में, जो डाउट्स होते हैं, वो खुद ही बात करते करते सब बोल के चले जाते हैं. जिस किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना हो, कोई एपिसोड के बारे में बात करना हो, तो आई थिंक ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन व्हेन कम्स टू होल्डिंग द माइक एंड स्पीकिंग टू एवरीबॉडी. एंड ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन एज वेल. और मैं ये नहीं बताना चाहूँगा वो कितने उम्र के हो गए ऑब्वियसली, लेकिन आई जस्ट विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट एंड अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे ऑब्वियसली. सी, आई हैव बीन डूइंग दिस शो सिंस अक्टूबर और सेट पे हमारे टचवुड माहौल बहुत अच्छा है फ्रॉम प्रोडक्शन टीम, यू नो एज सच. जनरली एक्टर्स का सबसे ज़्यादा पंगा प्रोडक्शन वालों से होता है, बट यहाँ एवरी वन इज़ सो स्वीट. आई मीन ही हैज़ मैनेज्ड एवरीथिंग सो वेरी वेल. इवन रोशन लाल जी और रवि जी, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम एंड यू कॉल देम, दे आर लाइक दे विल पिक अप योर फोन इवन लाइक 11 o'clock इन द नाइट कि हाँ क्या हो रहा है बताओ, यू नो ऐसे. सो टच वुड एवरीथिंग इज़ सो नाइस ऑन द सेट, यू नो, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट. शायद कोई एक्टर इतना तारीफ करता होगा. आज उनका बर्थडे विश करना चाहिए? सी, वो तो खुद ही अपने आप में बहुत तोप आदमी है. उनके लिए मतलब बस बेस्ट विशेज. और मुझे, मैं तो इतनी अभी काफ़ी टाइम हो गया इंडस्ट्री में, आई नो कि एक शो जब चलता है तो 150 लोग काम करते हैं उस शो पे. 150 से मल्टीप्लाई बाई 5 times कर दीजिए, उतने लोगों का घर चलता है. एंड रोशन लाल जी इज पिचिंग अप फॉर 2 or 3 न्यू शोज एंड आई होप कि उनको जल्दी जल्दी स्लॉट मिल जाए ताकि वो बहुत सारे लोगों को काम दे पाए, बहुत सारे लोगों की आमदनी हो. आई एम हैप्पी व्हेन पीपल वर्क. तो बहुत बहुत मुबारक हो जन्मदिन और हम चाहते हैं कि और खूब सारे शो लेकर आए वो और हम लोग करें. और ये सर ढेर सारी बधाइयाँ
वेरी एक्साइटेड. हमें एक्चुअली उनको नहीं पता था, लेकिन हमें पता था कि उनका सरप्राइज बर्थडे प्लान कर रहे हैं रवि सर. जैसे ही कल शाम को हमें मैसेज आया था इसके बारे में, एंड वी गॉट ऑल एक्साइटेड बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम हम उनका बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं रोशन सर का. और क्या होता है ना, बर्थडे के साथ सबको मिलने का मौका मिलता है, एक साथ बात करने का मौका मिलता है, क्योंकि शूट पे काम के अलावा इतनी बात नहीं हो पाती है. तो राइट नाउ इज़ द टाइम टू इंटरेक्ट विद एवरीवन. तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के.